नमस्कार दोस्तों, यू एंड मी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही अपने पिंपल का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही महंगी ट्यूब को खरीदना पड़ेगा। इसके लिए आप घर पर ही किचन में उपलब्ध सामान से अपने पिंपल को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक, नींबू, शहद। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मात्रा में नमक लेंगे। नींबू निचोड़ेंगे। एक चम्मच शहद की मिलाएंगे। इसको आप अपने पिंपल्स के ऊपर लगाइए और 10-15 मिनट के लगाने के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आपके पिंपल अवश्य दूर हो जाएंगे। इस विधि को कंटिन्यू 15-20 दिन आप करते रहिए। पिंपल को भगाने का दूसरा तरीका है, आइए इसे कैसे करें। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर का रस, बेकिंग सोडा, शहद, दूध। पहले हम 2 चम्मच टमाटर का रस लेंगे, उसमें कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच शहद की लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 10 मिनट तक आप अपने पिंपल्स पर लगाइए और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप दूध से मसाज कीजिए, आपके पिंपल अवश्य दूर होंगे। पिंपल्स को दूर करने का तीसरा तरीका हम बताते हैं, आइए जाने इसे कैसे करें। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, गुलाब जल, दूध। कुछ मात्रा में हम हल्दी लेंगे, 1 चम्मच गुलाब जल लेंगे, दो चम्मच दूध की डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। इसे आप अपने पिंपल्स के ऊपर 10 मिनट तक लगाए रखिए और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। आपके पिंपल्स अवश्य ही दूर होंगे। ये विधि आप हफ्ते भर तक अवश्य करते रहिए, जिससे आपके पिंपल जरूर दूर होंगे। शहद से भी आपके पिंपल्स दूर हो सकते हैं। आप अपने पिंपल्स के ऊपर शहद को लगाइए, उसे 10 या 15 मिनट तक लगाए रखिए और फिर ठंडे दूध से उसे पिंपल्स के ऊपर मसाज कर लीजिए। आपके पिंपल्स अवश्य ही दूर हो जाएंगे। ऐसी और भी ब्यूटी टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।